आप सबको जय मसीह की। हम उस महान परमेश्वर से आज की शाम में अपने हृदय की बातों को कह दें, अपने मन की बातों को कह दें, अपनी समस्याओं को उसके सम्मुख रख दें। तो आइए आज की शाम में हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, हमारे प्रेयर सेंटर में बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं जिनका कहना है कि वो कर्जे में हैं, उनके घर में बहुत ज्यादा घटी कमियां हैं, यहां तक कि उनके जो प्रतिदिन के खर्चे हैं उनको भी वो पूरा नहीं कर पाते हैं। अब वो दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं और बहुत लोगों का कहना है कि जो वो कमाते हैं उसमें कोई भी आशीष नहीं है। तो आज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है, जो हमारी सोच से कर हमारे लिए काम करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है हम अपनी सामर्थ से उन कर्जों को नहीं पे कर पा रहे हों, हो सकता है हम अपनी सामर्थ से अपने घर की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हों, परंतु आज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है वचन में बहुत सामर्थ है। फिलिप्पियों 4:19 में इस प्रकार से लिखा है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने उस स्वर्गीय उस महिमामय धन से आपकी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। परमेश्वर कुछ ऐसा अद्भुत आपके जीवन में करेगा कि आप अपने पूरे कर्जों को निपटा पाएंगे, आप अपने घर की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे, आप अपने बच्चों की फीस को दे पाएंगे। मेरे प्रियों, यदि आप इस वचन पे भरोसा रखें तो आप इस वचन को दिन रात बोलते रहें, इस वचन को सुबह शाम दिन रात हर समय बोलते रहें कि मेरा परमेश्वर अपने महिमामय धन से मेरी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो ये वचन धीरे धीरे आपके जीवन में कार्य करने लगेगा और आपको हर एक कर्जे से कर्ज मुक्त कर देगा। भजन संहिता 23:1 में इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई भी घटी कमी नहीं होगी। मेरे प्रियो, इस वचन पर आप मनन करते रहें, हर समय बोलते रहें, और जब आप ऐसा करेंगे तो ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा और आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है और परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा आपका चरवा है और वो आपको कोई भी घटी कमी नहीं होने देगा, वो आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह अपने उस महिमामय धन से आपकी घटी कमियों को पूरा करेंगे, हर एक घटी कमी को प्रभु यीशु मसीह पूरा करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप ऐसी परिस्थिति में हैं तो आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप इन दो वचनों पर मनन करें, इनको बोलते रहें, बहुत जल्द आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देखेंगे और आप इन सब विपरीत परिस्थितियों से छुटकारा पा जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे जीवन के महान परमेश्वर, हमारे उद्धार करने वाले राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हमारा उपाय करने वाला, हमारा प्रोवाइडर, माय लॉर्ड फादर यीशु राजा, आप हैं पिता परमेश्वर, आप परमेश्वर कभी ना बदलने वाले परमेश्वर है, हमारी घटी कमियों में हमारे संग संग रहने वाला, हमारे लिए हर बात की पूर्ति करने वाला। ओ मेरे यीशु, हमारे अनधन के भंडार, हमारे अपरंपार आशीषों की बरसात करने वाले यीशु, हम धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। आज की शाम में प्रभु तेरे वचन से हम आशीषित हुए, तेरे वचन ने प्रभु हमें दृढ़ करा, इस भाई इस बहन को दृढ़ करा। हाँ परमेश्वर,
पिता, दिन भर में चाहे हम कितनी भी चिंताओं में रहे हो, दिन भर हम कितनी बीमारी या फिर दर्द में दुख में रहे हो, प्रभु हमने आज का दिन प्रभु आंसुओं में काटा हो, परंतु आज की शाम में प्रभु तू हम सबको अपने आनंद से भर दे, अपनी शांति से भर दे, अपने मेल मिलाप से भर दे, अपने प्रेम से भर दे पिता। प्रभु जिस प्रकार हमने तेरे वचन को सुना परमेश्वर पिता कि तू अपने महिमा में धन से हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, सच में मेरे यीशु मसीह जो तुझ पर विश्वास करता है, तू चरवाहे पर, ऐसे सच्चे चरवाह पर जो सच में तू हमारा चरवाह है, यहोवा हमारा चरवाह है और हमें कोई घटी नहीं होगी। पिता परमेश्वर आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए, यदि ये घटी कमियों में है पिता परमेश्वर, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, इनके ऊपर कर्जा है, इनके ऊपर लोन चढ़ा हुआ है, प्रभु ये अपने बच्चों की फीस नहीं दे पाए, कारोबार बिल्कुल बंद है, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, बहुत ज्यादा आर्थिक समस्याएं चल रही हैं मेरे प्रभु, परंतु तेरा वचन कहता है मैं अपने महिमा में धन से तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। हाँ मेरे प्रभु जी, सच में प्रभु तू वो महान परमेश्वर है, तू कहता है कि मैं मुट्ठी को खोलता हूँ, मेरे खोजी तृप्त होते हैं उत्तम पदार्थों से। यस माय लॉर्ड फादर, सच में प्रभु हमें कोई घटी नहीं होगी, तू तो हमें हरी हरी चराइयों में चराने वाला परमेश्वर है प्रभु, हमें सुखदाई जल के झरने के पास ले जाने वाला प्रभु है। हाँ मेरे पिता, तू तो हमारी आत्मा को, हमारे जीवनों को, हमारे परिवारों को, हमारे लोगों को तृप्त करने वाला प्रभु है। जिस प्रकार इसराइलियों को तूने मन्ना खिलाया, उन्हें तूने स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया, चट्टान से पानी को पिलाया और वे कभी भूखे नहीं रहे और कभी प्यासे नहीं रहे पिता परमेश्वर, उसी प्रकार आज हम भी उसी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तू अभी भी वही परमेश्वर है जो अपने लोगों की घटी कमियों को समझता है, तू जानता है परमेश्वर हम घटी कमी में है, तू जानता है हमारे ऊपर कर्जा है, तू जानता है प्रभु अभी हम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तू जानता है हमारा कारोबार नहीं चल रहा, तू जानता है हमने अपने बच्चों की फीस नहीं दी है, तू जानता है परमेश्वर हमने अपने घर बनाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास राशन लेने को पैसा नहीं है, परंतु यीशु तेरा महिमा में धन जो स्वर्ग में है पिता, तू उससे हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है, तू हमें प्रभु हरी हरी चराइयों में चराता है प्रभु जी, सच में मेरे पिता तू हमारी घटी कमियों को दूर करता है। यदि इनके परिवार में फाइनेंशियली ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल में है प्रभु, बहुत ज्यादा प्रभु नीडी है, यीशु मसीह का वचन आपसे आज की शाम में कहता है कि वह अपनी महिमा में धन से आपके लिए सारी जरूरतों को पूरा करेगा। यस माय लॉर्ड, प्रभु आप आज की शाम में प्रभु इनकी सारी जरूरतों को पूरा करें प्रभु, ये नीडी है प्रभु और ये अपने सारे बातों में प्रभु तुझ पर निर्भर है, जिस प्रकार इसराइली तुझ पर निर्भर थे। हाँ प्रभु हम पिता, ये भाई ये बहन, इनका परिवार, इनके बच्चे, सब तुझ पर निर्भर है मेरे पिता, कि तू उनके लिए अपनी महिमा में धन से पूरा करेगा। यस माय लॉर्ड फादर, पिता आप इनके कर्जों को चुकाएंगे पिता, आप इनके घटी कमियों को पूरा करेंगे, आप इनके अंधन के भंडारों को भरेंगे, आप अपनी मुट्ठी खोलेंगे और ये तृप्त किए जाएंगे, चाहे प्रभु जी अकाल का समय भी हो तो भी प्रभु जी आप हमें तृप्त करते हैं, हम कभी भूखे ना रहेंगे, हम कभी प्यासे ना रहेंगे प्रभु, हम कभी घटी कमियों में ना जिएंगे, क्योंकि हमारा पूरा करने वाला यहोवा ही रे प्रभु तू है पिता। जिस प्रकार तूने प्रभु अब्राहम के लिए उपाय किया मेरे यीशु राजा, उस पर्वत पर जब बलि उसने इसहाक को बलि करना था, तूने वहां पर मेमने का इंतजाम किया, उसी प्रकार परमेश्वर तू हम सबकी घटी कमियों को जानता है, तू हम सबके घटे कमी हमारे घर के परिस्थितियों को जानता है, हम किस हालातों में है, आजकल प्रभु लॉकडाउन संसार में चल रहा है परंतु कोई उम्मीद नहीं, कमाई का कोई साधन नहीं, परंतु पिता हमारा विश्वास तुझ पर है कि तू ही पूरा करेगा, तू ही तो हमारा चरवाह है, हम सब तेरी भेड़े हैं, ये भाई ये बहन जो प्रार्थना कर रहे हैं ये सब तेरी भेड़े हैं पिता, और तू अपनी भेड़ों को कभी भी भूखा नहीं रहने देता, तू अपनी भेड़ों को कभी घटी कमियों में नहीं रहने देता, तू अपनी भेड़ों को कभी प्यासा नहीं रहने देता। हाँ परमेश्वर तू ही तो जीवन की रोटी है, तू ही तो जीवन का जल है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं ओ मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह, आज की शाम में इन भाई बहनों की हर एक घटी कमियों को दूर करें प्रभु, इनके फाइनेंस के सोर्सेस को आप खोलें, इनके कर्जे से आप इन्हें छुटकारा दें प्रभु, इन पे यदि बहुत सारा कर्जा है, जब कर्जा मांगने के लिए लोग घरों पर आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं पिता, आप उनकी सहायता करें प्रभु, बहुत सारे लोग ऐसे प्रभु जिन्होंने काम किया परंतु उन्हें सैलरी नहीं मिली है पिता परमेश्वर, उनका पैसा रुका हुआ है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु आप उनके फाइनेंस को उनके पास आने में मदद सहायता करें, आप उनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोलें, क्योंकि प्रभु तू हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर है। खुदावन हम प्रार्थना करते आज की शाम में, यदि कोई बीमार है तो वह अपने उस अंग में हाथ रखे जिस में बीमारियां हैं, जहां पर दर्द है,
प्रभु यीशु के खोड़े खाने से आप अभी और इसी वक्त चंगे हो गए हैं। हालेलुया, धन्यवाद पिता। सच में आज की रात में परमेश्वर पिता इन भाई बहनों को प्रभु जी आप जानते हैं ये किस चिंता में है, आप जानते हैं कि इनके घर में क्या सिचुएशन है। आप इनके घर परिवार में हर एक कलेश को दूर करें, हर की हर विपत्तियों को दूर करें, इनकी मुश्किलों को आसान करें। ये जो अपने जीवन में नहीं कर सके आप उन्हें उनके जीवन में करें। परमेश्वर जो डिप्रेशन में है, जो चिंताओं में है, जो बीमारियों में है, आप उनकी बीमारियों को, उनकी चिंताओं को, उनके डिप्रेशन को, उनके एडिक्शन को दूर करें परमेश्वर पिता। रिलेशनशिप में गड़बड़ियां हैं, गड़बड़ियों को दूर करें। आज की शाम में जो रात भर सो नहीं पाते, जिन्हें डरावने सपने आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, यीशु के नाम से नेगेटिव विचार, बुरे सपने उनके जीवन से चले जाएं और रात भर प्रभु वो मीठी और अच्छी नींद लेकर प्रभु आपके नाम की महिमा करें। धन्यवाद करते आज की पूरी रात को हम आपके हाथों में सौंपते इस भाई इस बहन को जो प्रार्थना कर रहे, जो कमेंट्स कर रहे इस समय परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु जिस किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यदि वो बीमार है पिता, यदि वो कर्जे में है पिता, यदि वो नीड करते हैं कि उन्हें जॉब चाहिए, यदि वो चाहते हैं कि उनके लाइफ पार्टनर उन्हें मिले, यदि उनकी वो अपनी शादी के लिए चिंतित है, पिता उनकी प्रार्थना का उत्तर दीजिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों की प्रार्थना को सुनते हैं, आप उन्हें घटी कमी में नहीं जीने देते, क्योंकि आप यहोवा यीरे है, उपाय करने वाला और हमारा प्रोवाइडर है। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।